इन्फुलेंशल स्टिस्टिक्स में ही सबसे मज़ेदार और इम्पॉटेंट टॉपिक प्रॉबिलिटी का है प्रॉबिलिटी uh, uh, क्या है बेसिकली अ बेसिकलीमेरिकल डिस्क्रिप्शन दैट इंडिकेट्स द लाइकली हु ऑफ एन इवेंट रिमेंबर वी आर लिविंग इन एन अनसर्टन वर्ल्ड जहाँ पर हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें अनसर्टनिटी हैं अनसर्टन है, है. मसलन क्या प्रॉबलिटी है कि आज बारिश होगी क्या प्रॉबोबिलिटी है कि मैं uh, जहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ स्टॉक्स के अंदर उसमें मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रॉपर्टी मैंने अभी परचेज की है उसकी वैल्यू अगले पाँच साल में बढ़ेगी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बिज़नेस मैंने शुरू किया है वो वाकई फ्लरिश करेगा और ऊपर जाएगा सो इन डेली लाइफ इन रूटीन मैटर्स वी यूज़ द वर्ड प्रॉबिलिटी क्वाइट ऑफन क्यों क्योंकि हमारे हमें पता नहीं है हमारे पास बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ हैं हमारे इर्द गिर्द सो प्रॉबिलिटी बेसिकली इज़ अ लाइटलीहुड ऑफ एनी इवेंट टू अकर प्रॉबीबिलिटी फॉर एनी स्पेसिफिक आउटकम इज़ डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन और अ प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एग्जाम्पल इफ द अगर आप एक डाइस uh, को रोल करते हैं और उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है उसकी सिक्स साइड्स हैं डाइस की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स पेसिस भी कहते हैं सिक्स साइड्स भी कहते हैं सो so, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो इफ़ आई वॉन्ट टू नो कि अगर मैं डाइस रोल करूँगी तो उसमें सिक्स आने की प्रॉबिलिटी कितनी है तो दैट इज़ वन बाई सिक्स इसका मतलब है कि प्रॉब्बिलिटीज़ और प्रपोर्शन में तभी कैलकुलेट कर सकती हूँ जब मेरे पास उसकी ओवरऑल uh, टोटल उसकी आउटकम्स मुझे मेरे पास नोन है सो so, इसी तरह हमारे इर्द गिर्द और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं Uh, जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस करने में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कॉइन को टॉस करने में हेड है या टेल है सो देयर इज़ वन पॉसिबल सक्सेसफुल आउटकम विच इज़ हेड विच वी वॉन्ट इन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर टू सो द प्रॉबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड लैंडिंग ऑन हेड इज़ वन बाई टू प्रोबेबिलिटी uh, की वैल्यूज़ जो हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक आउटकम इज एक्सप्रेस्ड विद अ पी विद द प्रेन्थसिस के अंदर हम वो इवेंट लिखते हैं जिसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेड की प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं कैलकुलेट तो आप पी लिखेंगे और आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिखेंगे और फिर उसको नुमेरिकली आप एक्सप्रेस करेंगे इन अ वैल्यू प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेसड इधर इन डेसिमल्स और परसेंटेज हम उसको प्रोपोर्शन में भी कर सकते हैं यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमने कॉइन uh, को टॉस किया है तो हेड आने की प्रॉबीबलिटी पॉइंट फाइव है या वन बाई टू है या फिफ्टी परसेंट है सो प्रॉबिलिटी कैन बी एक्सप्रेसड इन थ्री डिफरेंट वेज मसलन ये आपकी हेड की प्रॉबिलिटी मैंने नीचे लिखी हुई है प्रॉबिलिटी जो है दैट रेंजेस फ्राम जीरो टू वन जीरो का मतलब है कि इफ़ इवेंट इज़ डेफिनेटली विल नॉट अक्का तो उसकी प्रॉबीबिलिटी ज़ीरो है एंड इफ एनी इवेंट और एनी आउटकम इज़ डेफिनेट टू आकर और गारंटेड इटवेल रखा तो उसकी प्रॉबिलिटी वन है मस अगर आप अगर डाइस uh, को रोल करेंगे तो उसमें सेवन आने की प्रॉबिलिटी जो है वो ज़ीरो है वह आई क्योंकि उसमें सेवन वाला फेस या सेवन वाली साइड नहीं है आंटिल और बाइस्ट डाइस एंड यू ऑलरेडी हैव मेड सेवन डॉट्स इंस्टेड ऑफ सेक्स लेकिन एक फेयर डाइस के ऊपर सेवन आने की प्रॉबलिटी ज़ीरो है और अगर मैं डाइस रोल करूँ तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कोई भी आ जाए मेरे लिए सक्सेसफुल है तो इसका मतलब है कि प्रॉबिलिटी वन है यानी वन आएगा टू आएगा थ्री वाला फेस आएगा फोर या फ़ाइव आएगा तो प्रॉबिलिटी ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम जीरो टू वन ज़ीरो मीन्स द इवेंट विल डेफिनेटली नॉट अक्का और वन मीन्स द आउटकम विल डेफिनेटली अक्का इन्फ्एंशियल स्टेटिस्टिक्स में हम प्रॉबिलिटी क्यों पढ़ते हैं इन्फ्एंशियल स्टिस्टिक्स में देर इज आर ह्यूज रिलेशनशिप ऑफ सैम्पल एंड पॉपुलेशन याद करें पहली स्लाइड के ऊपर मैंने आपको इन्फ्लुएंशियल स्टिस्टिक्स में बताया कि हमारे टू गोल्स हैं एक तो हमने सैम्पल uh, स्टिस्टिक्स से हमने पॉपुलेशन का पैरामीटर जो है वो एस्टिमेट करना है और दूसरा हमने हाइपोथोसिस टेस्ट करना है सो so, पहला जो स्टेप है हमने सैम्पल से पॉपुलेशन का पैरामीटर एस्टिमेट करना है तो प्रॉबिलिटी क्या प्रॉबिलिटी है कि जो सैम्पल मैंने पिक किया है वो सही सैम्पल है या वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है क्या प्रॉबीबिलिटी है कि उस सैम्पल में जो मैंने स्टेटिस्टिक लगाई हैं और जो मैंने हाइपोथेसिस टेस्ट किया है दैट विल एंड अप इन अ राइट डिसीजन दैट्स नॉट अ रॉन्ग डिसीजन और क्या प्रॉबीबिलिटी है कि वो सैम्पल बाकी रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है तो ये सारे सैम्पल और पॉपुलेशन के जो हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं जो सैम्पलिंग देखते हैं वो सारी उसमें प्रॉबिलिटी की फीचर या की एस्पेक्ट उसके अंदर है इसी तरह व्हेन वी ड्रॉ अ सैंपल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सैंपल टेकन इज राइट और प्रॉबिलिटी ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन हमने बात कर ली है प्रोबेबिलिटी इज यूज टू प्रोडिक्ट वट आर लाइकली टू बी ऑबटेन फ्रॉम अ पॉपुलेशन यस आप फर्स्ट करें कि आपके पास दो जार्स हैं एक जार में टेन वाइट मार्बल्स हैं और नाइंटी ब्लैक मार्बल्स हैं और एक जार में फिफ्टी वाइट मार्बल्स हैं और फिफ्टी ब्लैक मार्बल्स हैं दोनों के अंदर से आपने दस दस का सैंपल निकालना है आपके जार वन के अंदर नाइन्टी ब्लैक और टेन वाइट हैं और जार टू के अंदर आपके फिफ्टी ब्लैक और फिफ्टी वाइट है सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन रिलेट एंड यू कैन थिंक अबाउट कि मेरे पास किस तरह का सैंपल आएगा मेरा हाइपोथेसिस क्या है किस तरह का सैंपल आएगा डेफिनेटली जार वन में से सारे ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और कम वाइट आने की यानी वाइट सैंपल निकालने की प्रोबेबिलिटी वन बाई टेन या टेन बाई हंड्रेड है मेरे पास जबकि जार टू में से वाइट मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है यानी फिफ्टी बाई हंड्रेड है तो किस तरह का सैंपल मेरे पास आएगा दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कि आपके सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या आप किस जगह से सैंपल निकाल रहे हैं मसा अगर स्क्रीन टाइम के एडिक्शन का आप करना चाह रहे हैं और आप सैंपल निकाल रहे हैं किसी गांव में से जाके जहां पे बच्चों को एक्सेस नहीं है डिफरेंट गैजेट्स का उनके पास टैबलेट्स uh, नहीं है दे डोंट हैव एक्सेस टू द आईफोन्स दे डोंट हैव एक्सेस टू लैपटॉप्स तो वहाँ पर आप स्क्रीन टाइम का निकाल के रिलेशनशिप निकालेंगी तो दैट माइट नॉट बी वेरी रिप्रजेंटेटिव सैम्पल सो यू कैन कैलकुलेट द प्रॉबिलिटी कि किस तरह का सैम्पल आपके पास आएगा और उस सैंपल को स्टडी करने के बाद इफ़ यू आर यू नो जनरलाइजिंग द रिजल्ट्स ओवरऑल टू द बिगर पॉपुलेशन व्हाट काइंड ऑफ एरर्स यू कैन कमिट एंड हाउ रॉन्ग यू कैन गो सो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर मूविंग टू इंफुरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बिकॉज वी रियली ओन टू सी द रिलेशनशिप ऑफ अ सैंपल विद द पॉपुलेशन रिमेंबर कि जितना हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा असल पॉपुलेशन का जिसके बारे में हमने इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है या जिसके बारे में हमने जनरलाइज करना है हमारी उतनी ही सैम्पलिंग एरर कम होगी और हमारा डिसीजन जो है वो एक्यूरेट होगा uh, इसके अलावा हमने सैम्पलिंग uh, की बात की है कि जैसा सैम्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है सम टाइम्स हमारे पास रेंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो बेस्ट सैम्पलिंग टेक्निक है उसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की वन ऑफ द टाइप है जिसका मतलब है कि हमें हमेशा टोटल एन नोन है जैसे जार में से अगर मैंने कोई भी वाइट मार्बल निकालना है तो मुझे प्रॉबिलिटी पता है कि जार वन में से वाइट आने की प्रॉबीबलिटी वन बाई टेन है और जार टू में से वाइट आने की प्रॉबिलिटी वन बाई टू है यानी फिफ्टी बाई हंड्रेड है सो वेन द टोटल पॉपुलेशन जो टोटल आउटकम्स आर नोन देन इट इज़ कॉल्ड अ रैंडम सैम्पलिंग इसी तरह अगर आपने सैम्पल ड्रा करना है और आपको टोटल पॉपुलेशन का फ्रेम पता है कि मेरा पॉपुलेशन फ्रेम क्या है और टोटल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं तो फिर आपको हर पार्टिसिपेंट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो प्रोबेबिलिटी इट इज़ नेसेसरी दैट द आउटकम बी ऑप्टेन्ड विदाउट एनी बायस इन सिलेक्शन एंड हाउ वी कैन हैंडल द बायसेस कैसे हम कहेंगे कि हम बगैर किसी भी बायसेस के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल निकालें पॉपुलेशन में ताकि हम ट्रू इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकें और सही तरह से जनरलाइज कर सकें रैंडम सैम्पल इट शोज यू दैट यू गोना गेट अ वेरी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल और रेंडम सैंपल कब पॉसिबल है जब आपको टोटल आउटकम्स या टोटल एन नोन है फर्स्ट करें अगर आपने यही एडिक्शन का और आपने स्क्रीन um, टाइम का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और आप रेंडम सैंपल ड्रॉ करना चाहते हैं इसका मतलब है आप लाहौर के अंदर फर्स्ट करें जितने भी स्कूल्स हैं आप उनके सारे स्कूल्स की एक लिस्ट बनाएंगे यू मस्ट नो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल एन आपको पता होना चाहिए तो आप स्कूल पब्लिक स्कूल्स पे जनरलाइज करना चाह रहे हैं लाहौर के अंदर जितने पब्लिक स्कूल्स हैं आप उनमें से रेंडमली ड्रॉ करेंगे सो द लिस्ट शुड बी देयर ईदर ऑफ़ द स्कूल्स और ऑल द पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड इन द पब्लिक स्कूल्स इन नाइन्थ टेंथ ग्रेडर्स जो भी आप पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं कि मेरी पॉपुलेशन क्या होगी और फिर अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर से निकालते हैं विच इज़ कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग एक होती है प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें Uh, बड़ा इम्पॉर्टेंट है टू नो कि वो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि वो इवेंट डिपेंडेंट है फर्स्ट करें आपने uh, अगर आपने जार वाली एग्जांपल देती हूँ क्योंकि उसका एन हमें नॉन है और हमें पता है कि टोटल हंड्रेड मार्बल्स हैं अब आपने टेन वाइट और नाइन्टी ब्लैक मार्बल्स जार वन में से आपने पहली जब मार्बल निकाली है छोटा पीस निकाला है तो उसकी प्रॉबिलिटी वाइट आने की टेन बाय हंड्रेड है लेकिन अगर आपने वो मार्बल निकाल लिया है और वो वापस नहीं डाला अब उस जार के अंदर 99 मार्बल्स रह गए हैं और एक मार्बल निकल गया अब ये डिपेंड करता है कि वो वाइट निकला है या ब्लैक निकला है अगर वो वाइट मार्बल है तो दूसरा मार्बल भी वाइट निकालने की प्रॉबिलिटी अब नाइन बाई नाइन्टी नाइन है क्योंकि वन वाइट मार्बल इज़ गॉन जब हमारी इस तरह की चीज़ें होती हैं इसको हम विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं यानी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट जिसमें हमने अगर एक सैम्पल निकाला है तो उसको दोबारा हमने लिस्ट में शामिल नहीं किया दैट इज़ कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और वो फिर हमारी डिपेंडेंट हो जाती है कैसे डिपेंडेंट हो जाती है क्योंकि पहला इवेंट हमारा क्या निकला है दूसरा इवेंट डिपेंड करेगा उसके ऊपर तो इंडिपेंडेंट रैंडम सेम्पलिंग की हमने एग्जांपल दे दी और हमने ये भी बात कर ली कि रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है प्रबिलिटी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है uh, जैसा आप uh, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर से भी आप प्रॉबीबलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रॉबीबलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे यूजली uh, ग्राफ्स और फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं जैसा हमने पहले लेक्चर्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था तो उसमें हमने एक प्रोपोर्शन का या परसेंटेज का कॉलम भी हम बनाते हैं ना तो हम उस प्रोपोर्शन परसेंटेज के कॉलम से भी आइडिया uh, लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी का याद रखें कि प्रोपोर्शन एंड प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल हम प्रॉबिलिटीज़ को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और प्रोपोर्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे सपोज करें कि आपकी एक पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन ये आपका फ्रेम है जिसमें आपके वन वन टू थ्री थ्री फोर 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 एंड फाइव एंड सिक्स हैं सो वट इज़ द प्रोबिलिटी ऑफ अपटेनिंग एन इंडिविजुअल अगर मैंने इसी में से एक इंडिविजुअल ड्रॉ करना है तो is the द of ऑफ an एन इंडिविजुअल विद अ स्कोर ग्रेटर दैन फोर अगर मैंने इसका ठीक तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है तो मैं उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके ही उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ और मैंने आसानी के लिए यहाँ पर आपका बना दिया हुआ है वैसे तो हम यहाँ पे दोबारा बना भी सकते हैं लेकिन आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड आई हैव ऑलरेडी मेड आ फ्रिकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें वन स्कोर दो लोगों ने लिया दिस इज़ अ फ्रीकुनसी और फिर आपका टू का स्कोर आपका एक दफ़ा रिपीट हुआ है सो तो वन तो थ्री की फ्रीक्वेंसी टू है फोर की फ्रीक्वेंसी थ्री है फाइव एक दफ़ा आया है और सिक्स भी एक दफ़ा आया है ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टेनिंग एन इंडिविजुअल हु इज स्कोरिंग अबव फोर तो उसके अंदर अबव आप फोर आपके ये दो ही सेल्स हैं और दो ही इंडिविजुअल्स हैं तो यू कैन टेल कि प्रॉबीबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंडिविजुअल फ्राम दिस पॉपुलेशन आपकी टू बाय टेन तो टू बाय टेन का मतलब है कितनी वन बाय फाइव सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एंड सी एंड लुक अप एट प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो